माननीय आशुतोष सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जिलाधिकारी चंदौली की आख्या 3 फरवरी 2024 के अनुसार जनपद चंदौली के चकिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर कला के राजस्व ग्राम बैरी में पंचायत भवन परिसर में तथा उसके समीप कोई भी उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। पंचायत भवन परिसर में यदि मॉडल उचित दर दुकान का निर्माण कराया जाता है तो रास्ता संकरा एवं व्यस्त होने के कारण सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था में प्रयुक्त भारी वाहन सुगमता पूर्वक दुकान तक नहीं पहुंच पाएगा। परिसर के अंदर गाड़ियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत भवन की चहारदीवारी को भी तोड़ना होगा तथा पंचायत भवन में यदि कोई सार्वजनिक कार्य या बैठक आयोजित की जाती है तो उस दौरान होने वाले राशन वितरण चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा। पूर्व पंचायत भवन राजस्व ग्राम रामपुर कला में ही स्थित है जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में होने के कारण निष्प्रयोग हो चुका है। अम्बेडकर जी, उनका प्रश्न आप क्यों बोल रहे हैं? निर्माणाधीन मॉडल उचित, आप उनको क्यों सलाह दे रहे हैं? अरे वो जानकार है, वो भी जानकार है। पूर्व पंचायत भवन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह उचित दर दुकान पक्की रोड पर स्थित है। यहाँ खाद्यान्न युक्त बाहरी वाहन सुगमता पूर्वक पहुँच सकता है। जी नहीं, उक्त भूमि पर राशन की दुकान निर्माण ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 15/9/2023 के क्रम में किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिला अधिकारी चकिया व जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली की टीम से कराई गई है। जांच में मॉडल उचित दर दुकान के निर्माण नियमानुसार उपयुक्त उपलब्ध स्थल पर किया जाना पाया गया है। राशन की दुकान का निर्माण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 15/9/2023 एवं आवागमन की सुविधा को देखते हुए विधि सम्मत तरीके से कराया गया, अतः कार्रवाई कराए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जिलाधिकारी चंदौली द्वारा उप जिलाधिकारी चकिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली की संयुक्त टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई है। जांच आख्या 1/2/2024 के अनुसार जांच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम सभा रामपुर कला विकासखंड चकिया में बन रही मॉडल उचित दर दुकान नियमानुसार उपयुक्त स्थल पर है तथा शासनादेश के मानकों के अनुरूप है। जांच आख्या भी संलग्न है, उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं होता। माननीय आशुतोष सिन्हा जी, क्योंकि ये विषय मैं खुद गया था उस गाँव में, और क्योंकि मान्यवर जो शासनादेश है, पहली बात तो जो उन्होंने जवाब दिया एकदम, जो जिला अधिकारी की आख्या ये एकदम निराधार एकदम गलत आई है। वहां मेरा मौके पे मैं गया था, जिस सड़क पे जहां पर पंचायत घर है 18 से 20 फुट सड़क है, वो वहां बड़ी गाड़ियां ट्रक सब जा सकती है। हम खुद गए हैं उस पंचायत भवन में, और जहां अब बन रहा है वो पंचायत भवन से 2 किलोमीटर दूर है और वहां 8 फुट सड़क है। मैंने 20 फुट सड़क छोड़ के 8 फुट सड़क पे बनाया जा रहा है, और शासनादेश मान्यवर यह है, शासनादेश 16/6/23 का शासनादेश है, उसमें साफ तौर पर लिखा है ऐसे भवन का निर्माण केवल सरकारी भूमि पर ही होगा। सरकारी भूमि पे होना चाहिए, ये लेखपाल की रिपोर्ट है कि वो प्राइवेट भूमि पर बनाया जा रहा है। प्राइवेट भूमि पे मान्यवर बना रहे हैं, 8 फुट की सड़क पे बना रहे हैं, किसके फायदे के लिए बना रहे हैं ये तो सरकारी बताए। लेकिन हम ये नहीं जानना चाह रहे 20 फुट की सड़क छोड़कर, जहां जगह पूरी तरह से उपयुक्त है, और शासनादेश में भी लिखा हुआ है कि खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन में और शहरी क्षेत्र में सामुदायिक भवनों के में बनाया जाए, तो जब पंचायत भवन में जगह उपलब्ध है, पंचायत भवन में 20 फुट चौड़ी सड़क है, उसको छोड़कर निजी जमीन पर जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट के जहां बन रहा है वो निजी जमीन बन रहा है, निजी जमीन पे आप बना रहे हैं उसका वो, और जहां 8 फुट की सड़क है, तो माननीय शासनादेश का भी उल्लंघन हो रहा है, और किसको लाभ पहुंचाने की सरकार ऐसा कर रही है ये भी बताने का काम कर रहे हैं उनको। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य हमारे बहुत विद्वान सदस्य हैं, मैं इनका बहुत ध्यान से विषय सुना करता हूं, लेकिन इसमें किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक ये मॉडल साफ टाइप की गांव में हर ग्राम में बन रही है, और प्रदेश में 5,625 ऐसे स्थानों पर बन रही है। पंचायत भवन सामान्यतः सरकारी छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए भी उपयोग में आता है। अगर उसमें राशन की दुकान खोल दी जाएगी तो वहाँ जो राशन लेने वाले हमारे पास उत्तर प्रदेश में माननीय सभापति जी 15,09,01,204 लाभार्थी हैं, जिनको हम लोग नियमित राशन देते, उस गांव सभा में भी होंगे, नंबर उसका मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन मेरा इसमें कि लेखपाल की रिपोर्ट क्या है मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन हमने
उप जिला अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी ये लेखपाल से बड़े स्तर के अधिकारी हैं, गजेटेड अफसर हैं, ये जांच करके जो रिपोर्ट दिए हैं उस रिपोर्ट के आधार पर अगर निजी जमीन पे कोई बनाने की बात आएगी तो निश्चित तौर से उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारी सूचना के अनुसार जो आपने सवाल किया उस सवाल के जवाब में वह दुकान उचित स्थान पर बन रही है, 300 मीटर की दूरी है, यह भी मेरे समझ में नहीं आया माननीय सदस्य का, इसमें 300 मीटर तो 2 किलोमीटर कह रहे हैं, 300 मीटर का, 300 मीटर माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लीजिए कि क्या 2 किलोमीटर दूर पर बन रही है, एक बात, और क्या प्राइवेट जमीन पर बन रहा है, तीसरा क्या 8 फुट चौड़ी सड़क पर बन रहा है। मैं तीन बातें माननीय सभापति जी के माननीय लाल बिहारी जी तो हम कह तो रहे हैं, माननीय सभापति जी ने तो आदेश दे दिया, मैं उसका पालन करवा दूंगा। अगर निजी जमीन पे होगा तो जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे, और अगर पंचायत भवन की का स्वरूप है और उस स्वरूप को अच्छा बना करके रखने का काम किया है हर पंचायतों ने, उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर दूसरे स्थान पर बन रहा है तो उसको दिखवा लेंगे हम, अगर जो शासनादेश का उल्लंघन करेगा, मैं पहले भी कहा हूं अभी भी कह रहा हूं, उसको निश्चित तौर से दंडित करेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पंचायत भवन के अंदर, पंचायत भवन में बनना है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासनादेश में लिखा हुआ है। अरे पंचायत भवन के अंदर अगर शासनादेश मान लिया हमने, लेकिन अगर उतना स्थान नहीं जगह है, है, जगह मैं गया हूँ, अगर बहुत बड़ा संतोष जी, अगर पंचायत भवन में उतना स्थान नहीं है, तो इसका मतलब उसका निर्माण ही न कराया जाए उस गाँव में, बगल में हो जाए सर, गाँव में उसका निर्माण हो जाए, कहीं अगल बगल हो जाए, लेकिन उपयुक्त स्थान पर हो जाए, वहाँ पर ट्रक व्रक जाने की सुविधा हो जी सर।